नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। हम इस क्रम में चर्चा कर रहे हैं शिक्षा के दार्शनिक आधार, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के वन लाइनर क्वेश्चन पर। दोस्तों, ये इस क्रम का सातवां हमारा वीडियो है। जैसे हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम लोग आपको 500 to 1000 के बीच में वन लाइनर क्वेश्चन देंगे। इसके बाद एक वीडियो हम करेंगे इसी पर, उसके बाद हम टॉपिक वाइज जो है सारे वीडियोस देंगे, जैसे कि पहले सारे वाद और उसके पश्चात जो है दर्शन और सारे विद्वान हमारे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आपको अगर मेरा वीडियो भी पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव जो टॉपिक्स हैं उन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तो अभी फिलहाल हम ऑनलाइन ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इसी को हम देखते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना कोई देर के हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन में ये 151 क्वेश्चन है। इससे पहले हम 150 क्वेश्चन तक हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने प्रसिद्ध लेख व्हाट नॉलेज इज ऑफ मोस्ट वर्थ ने इस बात को सिद्ध किया है कि जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए विज्ञान के विषयों को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। यह बात कही है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि विज्ञान की जो विषय हैं उनको पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान मिले, ताकि उससे हमारे जीवन में पूर्णता आए। ये उनके एक प्रसिद्ध लेख रहा है, व्हाट नॉलेज इज ऑफ द मोस्ट वर्थ, उन्होंने ये बात कही है। अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। टी रेमंड के अनुसार, टी रेमंड महोदय कहते हैं कि स्वतंत्र आत्म प्रकाशन या आत्म प्रदर्शन का एक ऐसी औषधि के रूप में प्रयोग अंत में अपने स्वयं के उद्देश्यों का ही विनाशक है। टी रेमंड की बात है ये, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन या आत्म प्रदर्शन का एक औषधि के रूप में प्रयोग अंत में अपने स्वयं के उद्देश्यों का ही विनाशक है। ये टी रेमंड महोदय का यहाँ पर कथन है। अगले क्वेश्चन में पिनकार्ड महोदय के अनुसार, पिनकार्ड महोदय कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता अपने स्वयं के अधिकारों का प्रयोग करना है, न कि दूसरे के अधिकारों को नष्ट करना। ध्यान रखिएगा, ये पिनकार्ड महोदय का कथन है कि जो सच्ची स्वतंत्रता क्या है, सच्ची स्वतंत्रता है आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें, ना कि दूसरे के अधिकारों का क्या करें, उनको नष्ट करें या किसी प्रकार की उनको हानि पहुंचाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 154 क्वेश्चन, आत्मानुभूति या आत्मबोध का तात्पर्य, आत्मानुभूति और आत्मबोध का तात्पर्य क्या है। प्रकृति, मानव तथा परमपिता परमेश्वर को समझना अर्थात आत्मा की अनुभूति। ये किसका तात्पर्य है, आत्मानुभूति का या आत्मबोध का ये तात्पर्य है। प्रकृति, मानव तथा परमपिता परमेश्वर को समझना अर्थात आत्मा की अनुभूति करना, ये इन दोनों शब्दों का मतलब है, मतलब आत्मानुभूति या आत्मबोध आप कह सकते हैं। अगली जो बात कही गई है, डेफिनेशन है जॉन डीवी के अनुसार है। जॉन डीवी कहते हैं कि परिस्थितियों से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, आवश्यक है परिस्थितियों पर काबू पाना। ये बात जो है जॉन डीवी महोदय ने कही है कि परिस्थितियों से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ क्या होता है, मृत्यु होती है। अगर आप पूर्ण रूप से अनुकूलन कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप निर्जीव के समान है, आवश्यक है कि आप परिस्थितियों पर काबू पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा का अभिप्राय है मानव का उन्नयन करके उसे पूर्णता प्रदान करना। बहुत अच्छी डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद जी की, वो कह रहे हैं कि शिक्षा का अभिप्राय क्या है, मानव का उन्नयन करके उसे पूर्णता देना या पूर्णता प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वार्कर महोदय का है। वार्कर महोदय देखिए क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं कि सुंदरता कुरूपता का अभाव नहीं है, इस प्रकार स्वतंत्रता नियंत्रणों का अभाव नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है कि सुंदरता क्रूरता का अभाव नहीं है, इसी प्रकार स्वतंत्रता नियंत्रणों का अभाव नहीं है। अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगली जो स्पेंसर जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि मनुष्य को किसी भी व्यवसाय के लिए तैयार करना हमारी शिक्षा का प्रमुख अंग है। बहुत अच्छी बात स्पेंसर महोदय ने यहाँ पर कही है कि हमारी जो शिक्षा का जो प्रमुख अंग क्या होना चाहिए, प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए, मनुष्य को व्यवसाय के लिए तैयार करना। आगे बढ़ते हैं, जॉन डीवी को देखते हैं। जॉन डीवी महोदय क्या कह रहे हैं, जॉन डीवी महोदय कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति अपनी जीविका नहीं कमा सकता है तो
इस बात का गंभीर भय है कि वह अपने चरित्र का पतन करे और दूसरों को हानि पहुंचाए। जॉन डीवी की बहुत अच्छी बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि यदि एक व्यक्ति जीविका नहीं कमा सकता तो इस बात का गंभीर भय है कि वह अपने चरित्र का पतन करे और दूसरों को हानि पहुंचाए। अगले कथन में जो बी डी भाटिया जी हैं वो कहते हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित बनाता है। ये बी डी भाटिया जी का कथन है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित बनाता है। पेंटर के अनुसार देखिए, पेंटर कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव का विकास करना। ये पेंटर महोदय का कथन है कि शिक्षा ऐसी हो जो पूर्ण रूप से मानव का विकास करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीविकोपार्जन की कला में विकास का उद्देश्य को दाल रोटी का उद्देश्य, व्हाइट कॉलर का उद्देश्य, ब्लू जैकेट का उद्देश्य आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जीविकोपार्जन की कला में जो विकास का उद्देश्य उसे क्या कहा जाता है? दाल रोटी का उद्देश्य, व्हाइट कॉलर का उद्देश्य, ब्लू जैकेट का उद्देश्य आदि नामों से इसको संबोधित किया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्टसन ने कहा है कि जीविकोपार्जन की शिक्षा सबसे प्रभावशाली शिक्षा है, इससे वह लोग आजीवन कष्ट उठाते हैं जो केवल विद्यालय ही जाते हैं। यह हार्टसन महोदय का कथन है कि जीविकोपार्जन की शिक्षा सबसे प्रभावशाली शिक्षा है, इससे वे लोग आजीवन कष्ट उठाते हैं जो केवल विद्यालय ही जाते हैं। मतलब ज्ञान अर्जित ना करें, केवल विद्यालय जाए, नौकरी के लिए केवल शिक्षा ले। अगला बात जो कथन है वो गांधी जी का है। गांधी जी कहते हैं कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक वीमे के रूप में होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। बहुत अच्छी बात यहाँ पर गांधी जी ने कही है कि सच्ची शिक्षा कैसी हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, बालक जो बेरोजगारी के विपरीत एक वीमे के रूप में काम करे, वही सच्ची शिक्षा है, गांधी जी के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संस्कृति का तात्पर्य उस सामाजिक विरासत से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। ये संस्कृति का तात्पर्य दोस्तों कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति वो सामाजिक विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उटावे के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख कार्य संस्कृति, मूल्यों एवं समाज के व्यवहार के प्रतिमानों को अपने तरुण तथा शक्ति पुरुष सदस्यों को प्रदान करना होता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का जो प्रमुख कार्य क्या है, एक प्रमुख कार्य है सांस्कृतिक मूल्यों एवं समाज के व्यवहार के प्रतिमानों को अपने तरुण तथा शक्ति पुरुष सदस्यों को प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन में गांधी जी के अनुसार गांधी जी कहते हैं कि संस्कृति नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, तुम्हारे सूक्ष्म जो व्यवहार है में इसे प्रकट होना चाहिए। जो संस्कृति है, संस्कृति नींव है, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक वस्तु है और इसे आपके सूक्ष्म कह सकते हैं, जो आपका व्यवहार है उसे उसमें जो है इसको प्रकट होना चाहिए। E.M. White के अनुसार कहते हैं कि वे लोग वर्तमान को नहीं जानते जो केवल वर्तमान को ही जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, कम से कम दो या तीन बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि वे लोग वर्तमान को नहीं जानते जो केवल वर्तमान को ही जानते हैं। ठीक, ये E.M. White का कथन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है। ध्यान रखिएगा, ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है, क्या हो रहा है, चरित्र का निर्माण करना ही क्या है जो है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। वहीं गांधी जी के अनुसार गांधी जी कहते हैं, मैं अनुभव करता हूं कि संसार के सभी देशों में केवल चरित्र की आवश्यकता है और चरित्र से कम किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात गांधी जी ने कही कि अगर मान के चलें कि आपका अगर चरित्र मतलब मजबूत होगा तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए किसी भी देश के लिए केवल चरित्र प्रथम आवश्यकता होनी चाहिए। जितना अच्छा चरित्र वहाँ के व्यक्तियों में होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा वो देश तरक्की करेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जॉन डीवी के अनुसार कहते हैं कि चरित्र की स्थापना करना
विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिए, जॉन डी महोदय कथन के चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, राधा कृष्णन के अनुसार देखते हैं। राधा कृष्ण जी कहते हैं कि भारत सहित समस्त विश्व के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा केवल मस्तिष्क के विकास तक सीमित रह गई है और उसमें नैतिकता तथा आध्यात्मिक मूल्यों का अभाव है। ये क्वेश्चन यूजीसी की परीक्षा में पूछा गया है। ये डेफिनेशन किसके अनुसार है? तो राधा कृष्ण जी के अनुसार कहते हैं कि भारत सहित समस्त विश्व के कष्टों का मुख्य कारण यही है कि जो शिक्षा है वो केवल मस्तिष्क के विकास तक सीमित रह गई। आप भी देखते होंगे कि केवल हम लोग क्यों पढ़ते हैं आज के समय में। कभी हम सोचते हैं, आप लोग, मैं बीएड विभाग में प्राध्यापक हूँ, करीब 6 साल से, लगभग 5 साल से ऊपर मेरे को समय हो गया है। आज तक हर एक बैच में एक ही बात पूछी आती है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है बीएड क्यों कर रहे हैं। 99% स्टूडेंट का जो आंसर होता है फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट जॉब। मतलब शिक्षा ऐसी है कि व्यक्तित्व के विकास तक शायद कोई नहीं पहुंच पाता है, मुझे जो लगता है। हम लोग केवल शिक्षा का एक मूल उद्देश्य बना लिए हैं कि जीविकोपार्जन करना और नौकरी पाना। चलिए, कभी बाद में विस्तृत रूप से चर्चा इस पर होगी। ये राधा कृष्णन जी का कथन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो अगली बात जॉन डीवी की अनुसार है। जॉन डीवी कहते हैं, स्कूली शिक्षा तथा अनुशासन का सर्वभूत उद्देश्य चरित्र निर्माण है। स्कूली शिक्षा और अनुशासन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें मानव बनने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा ऐसी हो जो हमें मानव बनाए। देखिए, अगर हमारा चरित्र अच्छा होगा, हम व्यक्ति अच्छे होंगे, तो निश्चित तौर पर कोई भी कार्य हमें मिल जाएगा। हम अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर लेंगे और समाज में हमारा एक अपना एक स्थान होगा। केवल कभी जब होगा जब वो हमारा चरित्र का निर्माण शिक्षा के द्वारा हम मानव बन पाए। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी कहते हैं, हृदय की शिक्षा या नैतिक शिक्षा शिक्षा का सबसे प्रमुख कार्य। गांधी जी के अनुसार है कि हृदय की शिक्षा या नैतिक शिक्षा जो है शिक्षा का सबसे प्रमुख कार्य। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, ये रेफरेंसेस हैं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है, कोई आपको बात करनी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो के नीचे और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको जो उसका उत्तर दिया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हाँ, मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।